तो बेटा अब करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। तो बेटा सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो एक कंपाउंड है अपनों ने सामने बना रखा है ए बी से, मान लो कोई कंपाउंड है, या आप यहाँ पे भी ले लीजिए, ठीक है। तो बेटा ए बी एक कंपाउंड था, ठीक है, ए बी एक कंपाउंड है। बेटा ध्यान रखना डीकम्पोजिशन की जब बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे डीकम्पोज करना। डीकम्पोज करना होता है किसी भी चीज को तोड़ना। कहने का मतलब यहां पे ये रहेगा बेटा, यहां पे सिर्फ एक रिएक्टेंट रहेगा, एक रिएक्टेंट यहां पे दो या दो से ज्यादा सिंपल, मतलब टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक कंपाउंड अपने पास है बेटा, जब तक इसके बॉन्ड बने हुए हैं, कोई अपनों ने दूसरी चीज इसमें नहीं डाली, ठीक है। मैंने बोला एक रिएक्शन इन विच कंपाउंड, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप, ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस या सिंपल कंपाउंड इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन बेटा जब एक दो में टूट रहा है, वैसे इसी भी बात है, एक ही टूटेगा, तो देखो बॉन्ड्स बने हुए हैं बेटा, कोई अपने ने दूसरी चीज नहीं डाली, कोई इंटरफेयर नहीं किया, तो बिना इंटरफेयर करे कोई भी चीज है, आप एक जगह पे बैठे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, जब तक मम्मी की चप्पल आगे नहीं गिरती, जब तक अपने खड़े नहीं होते, है ना, जब तक मम्मी चिल्लाने लग जाती, मतलब मम्मी से जो एनर्जी आप तक नहीं पहुंच रही है, तब तक आप में कोई चेंज नहीं आता, नहीं आता ना। तो बेटा वैसे ही ये कंपाउंड है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपनी अपनी स्टेट छोड़ना चाहे, अपना स्टेट ऑफ कंफर्ट को चेंज करना चाहे, अपनी स्टेबिलिटी को हटाना चाहे, है ना, जब तक कोई दूसरी चीज इंटरफेयर नहीं करती। तो यार ये क्यों टूटेगा बेटा, इसको तोड़ने के लिए जैसे ही मान लो इसको बाहर से क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाए, तो एनर्जी मिलने की वजह से आपको पता है क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। अपनों ने कल ही सीखा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर, बहुत अच्छे से सीखा था, जैसे पानी है, पानी को गर्म करते हैं, आपने गर्म किया पानी को, या बर्फ है, आइस है, तो आइस को आपने गर्म किया, गर्म करते ही क्या हुआ, मेल्ट होना चालू हुई, क्यों, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, जैसे ही आपने हीट दी, हीट देते ही क्या होगा, बॉन्ड टूटना चालू हो गए, एटम्स फ्री होना चालू हो गए, स्ट्रक्चर चेंज हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं है। वैसे ही लिक्विड को गर्म किया, चालू किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस में, मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, सही है ना। तो देखो बेटा, तो एनर्जी बेटा जब तक इसको एनर्जी नहीं देंगे, जब तक ये स्प्लिट नहीं होगा, तो वैसे ही रहेगा। तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कब होती हैं, जब उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाहर से अपने उसको एनर्जी देते हैं। तो बेटा एनर्जी किसी भी फॉर्म में दो, जैसे बेटा लाइट एनर्जी, धूप गिरती है, सनलाइट एक्सपोजर में रखते हैं जैसे ही, तो कई रिएक्शन सनलाइट के एक्सपोजर से हो जाती है, सनलाइट में रखने पे हो जाती है, तो बेटा लाइट रिएक्शंस हो गई, ठीक है, लाइट जब दोगे, ठीक है। तो जब लाइट देते हो तो बेटा इसको लाइट, लाइट को बोला जाता है फोटो, जैसे फोटोसिंथेसिस टर्म है, लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं प्लांट, खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस बोल दिया, है ना। वैसे बेटा लाइट की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं बेटा फोटोलाइसिस, ये स्प्लिट हो रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। दूसरी रिएक्शन बेटा यहाँ पे, अगर आप लाइट की फॉर्म में देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज हीट, आपको पता है हीट तो होती ही होती है, तो हीट, हीट के लिए टर्म यूज करते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, थर्मल मतलब हीट, ठीक है। और बेटा लास्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो बेटा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हो। बेटा मेन फंडा क्या समझे, बॉन्ड को तोड़ना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक चीज समझ आई क्या सर, कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूं यहां पे, ऑल डीकंपोजिशन
reactions are endothermic. All decomposition reactions are endothermic. क्योंकि बेटा जो decomposition reaction है तभी occur होंगी तब जब कब जब reactants को अपने heat या electric या light मतलब कोई भी type की energy कोई भी form of energy अपने supplied करते हैं अपने जब भी कोई reactants को energy की form अपने क्या करेंगे supply करेंगे तो ही क्या होगा decomposition occur होगा ठीक है तो बेटा all decomposition reactions are endothermic in nature ध्यान रखेंगे ठीक है और बेटा चलिए decomposition reactions जो होती हैं ठीक है वो just opposite होती हैं बेटा किसकी combination reactions की ठीक है चलो तो बेटा तीन form तीन हैं इन तीनों के basis पे देखते हैं क्या क्या है बेटा light मतलब photolysis heat मतलब thermal decomposition और electricity के through करवाएंगे तो electrolysis भी उसको कहते हैं ठीक है चलो जैसे एक एग्जांपल कि सर डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन के अपोजिट कैसे हैं तो अभी अपनों ने देखा था बेटा H2 plus O2 to form 2H2O right बेटा ये जो रिएक्शन होती है ना कॉम्बिनेशन ये होती है बेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई स्पार्क देना पड़ता है अपने को इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो ये रिएक्शन हो जाती है ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट ठीक है बेटा तो ये क्या है इस टाइम पे क्या करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा इसका ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस से स्प्लिट हो जाती है मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे यहां पे सिर्फ स्पार्क दिए हैं यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ठीक है चलिए अब देखो बेटा तीन तरह की तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा थर्मल डीकंपोजिशन जो पहला टाइप है थर्मल या हीट के थ्रू देखो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इनके नीचे इनके नेम लिख लिया करो और इसका कॉमन नेम जो होता है बेटा उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको बोलते हैं अपना लाइमस्टोन ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा जब अपने हीट करते हैं तो बेटा यहां पे मैं हीट लिखूंगा आपको पता है लिखना टेंपरेचर प्रेशर या जो भी कैटलिस्ट वगैरह जो भी यूज करते हैं अपने उसको लिख देते हैं तो हीट जब मैं इसको करूंगा हीट के लिए साइन भी लगा सकते हैं तो जैसे ही करता हूं तो क्या होता है बेटा CaO plus CO2 बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और CaO CO मतलब बेटा क्विक लाइम सेम अगेन क्विक लाइम ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे इवॉल्व हो जाती है तो बेटा ये हीट डीकंपोजिशन है थर्मल डीकंपोजिशन है ठीक है तो लिख लेना बेटा चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं यहां पे लेड नाइट्रेट बेटा लेड नाइट्रेट का फार्मूला सही लिखा है मैंने याद कीजिए बताइए मुझे बेटा Pb plus 2 वैलेंसी होती है और NO3 जो नाइट्रेट होता है minus 1 होती है क्रॉस कराओगे तो आपको पता है क्या बनेगा Pb2 2 इसके पैर में आएगा उसके पैर में 1 रहेगा तो आप लिखोगे ना PbNO3 का होल ट्वाइस आएगा ठीक है बेटा जब इसको हीट कर देते हैं तो क्या होगा बेटा ये लेड ऑक्साइड PbO ठीक है प्लस NO2 plus O2 में ब्रेक हो जाती है NO2 plus O2 में ब्रेक हो जाती है गैसेस है बेटा ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये लेड ऑक्साइड ठीक है बैलेंस नहीं है बैलेंस करेंगे अपने इसको हो गई बैलेंस ऑक्सीजन देख ले 3 2 6 6 हियर 2 2 एंड 4 12 12
here 4 to 8 8 into 10 10 or 2 12 ठीक है बेटा ये बैलेंस हो गई है ठीक है लेड नाइट्रेट है इधर लेड ऑक्साइड लिख लें लेड ऑक्साइड ठीक है तो बेटा ये भी रिएक्शन है बेटा देखो इसमें अपने डिस्कस जरूर करेंगे क्वेश्चंस कैसे-कैसे आते हैं ठीक है फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं जरूर डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा इसकी कि कैसे क्वेश्चंस पुट होते हैं कैसे प्रीवियस बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आए वो कैसे आए हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इन रिएक्शंस को वहां पे डिस्कस जरूर करेंगे बेटा दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिक डी कंपोजिशन बेटा जब भी इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन नेम से क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी अपने को पास करवानी पड़ेगी तभी इसको अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी कहने का मतलब बेटा कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं उसको जहां पे अपने ले रहे हैं उसको ठीक है वहां पे अपने क्या करते हैं बेटा कोई भी तो बेटा देखो कोई जब भी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई करवाई जाती है जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे एनर्जी अपने को पास करवाते हैं जैसे एनर्जी पास करवाते हैं रिएक्शंस वहां पे अकर होती हैं ठीक है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह बहुत चीजें होती है वो बाद में पढ़ते हैं अपने जैसे भी अपनों ने एक रिएक्शन लिखी थी H2O को अपने जब भी अपने क्या दिया इलेक्ट्रिक करंट अपनों ने पास कराया ठीक है तो ये बेटा H2 और O2 में स्प्लिट हो गया स्प्लिट हो गया था ठीक है तो बेटा ये रिएक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन है ठीक है नोट डाउन कर लेना चलिए आगे चलते हैं देखो बेटा एक चीज है मैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको यहां करवाता हूं चैप्टर में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता हूं वैसे तो थ्योरी के अंदर ही थ्योरी लेक्चर्स में बट मैक्सिमम कवर यहां हो जाता है और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है जो छोटे-मोटे टॉपिक्स होते हैं वो बेटा मैं अपने टेस्ट पेपर्स में कवर अप करता हूं ठीक है तो टेस्ट क्वेश्चंस में जरूर आप ध्यान दोगे जब भी मैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा ठीक है तो वो उस क्वेश्चंस के थ्रू जब मैं उनके सॉल्यूशंस बताता हूं तो कुछ चीजें जो रह जाती हैं वो वहां भी कवर अप होती हैं ठीक है लास्ट क्या बचा है बेटा तीसरा पार्ट क्या है थर्मल हो गया अपना ठीक है लाइट लाइट डीकंपोजिशन जिसको अपने बोलते हैं बेटा फोटोलाइसिस भी कहते हैं ठीक है बेटा इसमें रिएक्शन आप लीजिए AgCl बेटा AgCl क्या होता है सिल्वर क्लोराइड ये सिल्वर है और ये हमारा क्लोरीन गैस है ठीक है क्लोरीन बेटा क्लोराइड आयन नहीं है क्लोरीन गैस है देखो दो मॉलिक्यूल दो एटम्स हैं ठीक है और Cl2 गैस की फॉर्म में तो बेटा AgCl को जब क्या करते हैं लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा सनलाइट जब अपने इसको प्रोवाइड करते हैं या लाइट अपने इसको देते हैं तो बेटा लाइट की प्रेजेंस में ये AgCl जो था ये स्प्लिट हो जाता है Ag और Cl2 Cl2 गैस इवॉल्व हो जाती है और सिल्वर आ जाता है ठीक है तो बेटा सिल्वर का कलर ग्रे सा होता है आपको पता है लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो होता है बेटा वो वाइट कलर का होता है ठीक है तो बेटा क्वेश्चन कभी-कभी ऐसे आ जाता है कि थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मतलब
थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि देखो AgCl था वाइट कलर का था, ठीक है, जैसे NCERT में अगर यहाँ पे वाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर मान लो ग्रे लिखा हो, NCERT में अगर कोई रिएक्शन में जैसे लिखा हो, तो बेटा आपको ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि वाई AgCl या सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, वाई इज सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, क्यों बेटा डार्क कलर बोटल में क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो अगर डार्क कलर की बोटल होगी तो लाइट अब्सॉर्ब हो जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन अकर ना हो और ग्रे कलर में चेंज ना हो, क्लोरीन गैस ना, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो खराब ना हो, ठीक है। ऐसे ही बेटा AgBr है, सेम बेटा AgBr, आप फोटोलाइसिस लिख दो यहाँ पे, फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट लिख देते हैं, लाइट ठीक है। तो बेटा ये भी लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, सेम यही आपका लाइट डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड यहां पे लिख दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है।